हमारे पास अब हमने क्या स्टार्ट किया है, अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना कॉर डेटा। कॉर डेटा के बारे में थोड़ा सा तुम लोगों ने पहले से जान लिया है। सबसे पहली बात तो ये पहली लाइन तुम लोगों को पहले से पता है, बाइलेटरल सिमेट्री, क्योंकि सी सी तुमने पढ़ा था। सी सी के अलावा जितने भी होंगे वो सब बाइलेटरल होंगे, और हम तो सबसे ज्यादा फेमस है बाइलेटरल होने में। ठीक है, तो हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री हमें टच नहीं कर सकता। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारे पास तीन लेयर्स होती है और इसके पास क्या है, हमारे पास ये ट्रू सीलोम है। ठीक है, तो हमारे पास ट्रू सीलोम, ट्रू सीलोम का मतलब क्या होता है वैसे, लास्ट में आफी अली अलिफ लैला, बताओ उसमें गैप होता है, बहुत सारा गैप ही गैप होता है एक्चुअली। एक में होता है थोड़ा सा गैप, एक में होता है ज्यादा गैप, ज्यादा गैप वाला ट्रू सीलोम होता है। ये मैंने कपड़ा है अच्छा गैप तो होता है, किसके बीच का गैप होता है वैसे ये, गट वॉल और हाँ बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे कहते हैं ऐसी जो अंदर है ऐसे निकलना कुछ बकवास, एक बच्चे कुछ भी नहीं करना है बकवास, नाम बोला है प्रॉपरली, बिटवीन गट वॉल एंड बॉडी वॉल, और इसमें कुछ खास बात भी तो है, भूल गए। ये तीनों लेयर से लाइन होना चाहिए, ये जो कैविटी बनी है ये तीनों लेयर की होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि दो कर दी बीच में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर दो कर दी तो वो सीडोसोलोमेट हो जाएगा। ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन और क्लोज में क्या फर्क होता है प्यारी बच्ची, सर्कुलेटरी सिस्टम में गुस्से से मत देखो, हाँ अब देखो, वेरी गुड, तो बताओ क्या फर्क है दोनों में। वेरी गुड शाबाश, और सही बताया। ठीक है, हार्ट से तुम्हारे पास आर्टरीज और वेन का अच्छा खासा वेल डेवलप सिस्टम है, तो इन सब के अंदर जा रहा है ना खून, तो इसलिए क्या है क्लोज, लेकिन अगर ये पूरा भरा हुआ हुआ तो पूरा भरा हुआ होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा मेरे पास, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, और हमारा हार्ट कहाँ है, पीछे आगे, कभी सोचेगा कि तुम्हारे लिए धड़क, ऐसा नहीं कोई बोलता है, ऐसे बोलते कि हाँ बायोलॉजी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बायोलॉजी तुम्हारा ऐसा कुछ। ठीक है, तो वेंट्रल हार्ट याद रहेगा, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास जो कॉर्डेटा के अंदर आते हैं, इसको तो देख रखा होगा लेकिन इन दोनों को नहीं देखा होगा। तो समुद्र के अंदर ऐसे भी जीव होते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम लोगों ने नहीं देखा है, जैसे एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस है ये हमारे पास, तो आने वाले टाइम में और भी चीजें देखोगे, ये पॉरीफेरा जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं पॉरीफेरेंस, ध्यान रखना। तो हमारे पास ये तो मैंने दिखाया था अभी, तो हमारे पास देखो कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एट लीस्ट, हाँ एट लीस्ट एट वन स्टेज ऑफ लाइफ, वन स्टेज का मतलब है चाहे 2 सेकंड के लिए दिखे, दिखना चाहिए मतलब होना चाहिए उसकी लाइफ में कि अभी कभी ये आया था। ठीक है, तो कभी ना कभी प्रेजेंस होना चाहिए, अभी नहीं है हमारे पास, हम दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कॉर्डेटा के अंदर वर्टेब्रेटा से, और अभी वर्टेब्रेटा से पहले की कैटेगरी चल रही है अभी। ठीक है, अभी तो ये कॉर्डेटा के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम, एक जनरल इंट्रोडक्शन बस हो गया हुआ यार। हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड, आप मुझे एक बात बताओ, हमारे पास पीछे की साइड नर्व कॉर्ड है, एक पूरा बंडल है न्यूरॉन्स का, तो इनके पास ऐसा हॉलो डॉर्सल साइड, अगर हम लोग ऐसे हो जाएंगे तो हमारे डॉर्सल कहलाएगा ना पीछे की साइड जो पूरा लोड लेके, तो ये इसके पास डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है, इनके पास अगर ब्रेन नहीं है तो पूरा यही मैनेज करता है, अगर हमारे ब्रेन को काट दिया जाए तो अगर बॉडी कुछ काम कर रही है तो वो इसकी वजह से करेगी। ठीक है, और मैंने बताया था शायद आग का प्याला हैरी पॉटर, उसको कुछ खिलाया जाता है फिर वो पानी में कूद जाता है, तो उसके यहाँ पे कुछ कट आते हैं, उस कट की वजह से क्या होता है, गिल्स आ गए उसके पास, क्या वो सांस लेने में उसे दिक्कत होगी, गिल्स उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई करवाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, दे हैव पेयर पायरिंजियल गिलेसलेट्स। और पहले हमारी बॉडी, पहले के लोगों के ऐसे होते थे, ऐसे चलते थे पहले लोग आदि मानव के टाइम पे, लेकिन आज बिल्कुल सीधे हो गए हैं, आप तो इतने सीधे हो गए कि पूछो ही मत, मतलब लड़के लोग जो होते हैं आज, आज उनकी बॉडी बिल्कुल सीधी होती है, क्योंकि पोस्ट एनल टेल बिल्कुल गायब हो चुकी है अब आज के जमाने में, सबकी नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ जो आ रहे हैं कुछ, मैं मेल्स के अंदर ऐसा देखा गया है कि बॉडी एकदम सपाट बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, लेकिन कुछ मेल्स के अंदर आज भी इसका प्रेजेंस देखा जा सकता है और फीमेल्स में तो दिखता ही है।
तो ये पोस्ट एनल टेल जो पीछे जो इंडिकेट कर रही है कि पहले हमारे भी क्या थी, पूंछ थी, लेकिन वो पूंछ धीरे करके अंदर हो चुकी है और कुछ में उसमें तो गायब भी हो गई है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंस अंदर अंदर है। तो इसका मतलब पोस्ट एनल टेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोस्ट एनल टेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंस, पूछ, और पूछ से हमें क्या पता चल रहा है? गाली मत देना हाँ, इवोल्यूशन कहीं गाली दे तो कि ओ की पूछ ठीक है। तो पूछ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले हम भी वैसे वाले एनिमल थे, जैसे लोमड़ी आ रही है, गीदड़ आ गया तुम वैसे कोई, तो उसकी पूछ है, ठीक है, लेकिन अब वो पूछ जा चुकी है क्योंकि तो तुम थोड़े इंटेलिजेंट हो गए हो ना। पता नहीं कोई इंसान आया, किसी इंसान ने किसी को बोल दिया पूछ मार दी जोर से, मुंह पे सीधे एकदम कि बदतमीज, ऐसा नहीं करना है। पहले बात तो है ही नहीं, करोगे कैसे, हाथ बेशक मार सकते हो। तो समझ में आ गया, पोस्टनल टेल ये इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। ये रहा फाइरिंजियल गिल स्लिट, छोटा सा, ठीक है। ये आगे जाके क्या बनेगा? आइस बनेगा, ऑफकोर्स, ये भी नहीं पता क्या तुम लोगों को? ये जो डॉट है क्या बनेगा आगे जाके? कुछ नहीं बोला मैंने, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस है। अनुश्री, अभी हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं या नॉन कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं? और नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर एक था या दो थे या बहुत सारे थे नॉन कोऑर्डिनेट के फाइलम? नॉन कोऑर्डिनेट के फाइलम एक थे, दो थे या बहुत सारे थे? और उसमें से बहुत सारों में से दूसरे नंबर वाला कौन सा था ये बताएगा कुमुद, दूसरे नंबर वाला कौन सा फाइलम था बहुत सारों में से? हाँ कोई नहीं बोलेगा, सी से कुछ था। ओके सी से क्या था? उल्टा सीधा मत बोल देना बदतमीज हो, मुझे डर लगता है तुम लोगों से। सीलोम था, सीलोम, सीलोम ना, अच्छा सीलन ट्रीटा। और तीसरा वाला कौन था? वो भी सी से था शायद, वो ए से था, तीनों फोरा था भाई, वो भी सी से था। पर याद कर लो भैया, सीबीएसई की हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही लापरवाही होगी, ठीक है। अगर ये कोई नीट का बच्चा होता और किसने ऐसा करा होता तो आज मैं शायद मारता उसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से, आज मेरे हाथ में दर्द होता लेकिन मैं बहुत मारता। पर चलो ठीक है, तुम भी क्या था। नॉन कोर डेटा में नोटोकोड कभी होती ही नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे की साइड, देख पहली बात तो यहाँ पर है हमारे पास ब्रेन और यहाँ पे है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस याद होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमारा है बॉडी के अंदर भी एक केंद्र सरकार है, मैंने समझाया था 10th क्लास में, कुछ बच्चे फेल हो गए वो अलग बात है। तो हमारे पास सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है और पेरिफेरल के अंदर नर्व्स आती है जो ब्रेन से कनेक्ट है, जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल, ठीक है, ये याद रखो, ये मोस्टली को देख के डिसाइड होता है। गिलिसलेट्स हैं अभी अभी हमारे पास, हमारे पास नहीं, वैसी गिलिसलेट्स हमारे पास, देखो एक्चुअली मैं ये बात किसकी चल रही है वैसे, तो नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर सेंटर नंबर ऑब्वियसली कहाँ पे होगा? आगे की साइड। हमारा कहाँ पे है? ये कभी किसी को देखा कि देख भाई मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, यहाँ पर, यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है, ये रिब केज तो यहाँ पे है, ये क्या है, ये रिब केज थोड़ी है, अच्छा लंग से स्टर्नम है यहाँ पे, अच्छा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, फाइन, यहाँ पे स्टर्नम होता है, उस स्टर्नम से ऐसे रिब केज निकल रही है, तो स्टर्नम से निकल के आ रही है, यहाँ पर डायरेक्टली रिब केज थोड़ी है कि देखो पूरा गोल है, स्टर्नम एक स्ट्रक्चर है उससे रिब केज निकल रही है और वो पीछे जाके कहाँ पे धस रही है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो वर्टेब्रल कॉलम है। तो हमारा वर्टेब्रल कॉलम पीछे है ना, और हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं वो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर है, ताकि कोई घुसा मारे तो वो वर्टेब्रल कॉलम पे हिट हो, ना कि मतलब पता लगे किसने घुसा मारा और वो यही तो वहीं पर ही बिच गई। वैसे ऐसा होता भी है, एक दो पल के लिए सांस रुक जाती है, फिर वो कहते हैं कि वो मेरी आखिरी जिंदगी थी, मैं तुम्हें देख के मतलब बायोलॉजी को देख के मना रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, तो ये तो नॉन कोऑर्डिनेट है ऑब्वियसली, इनका आगे ही तो होता है, इसने कॉकरोच को पकड़ लिया, कह रही है लो, कह रही तुम मेरे जैसे हो, तो इसने क्या करा, अब ये कॉकरोच को उल्टा कर दिया, अब ये यहाँ पे इसने टच किया तो उसको तो कॉकरोच ऐसे करा ही मतलब, तो क्यों क्योंकि क्या टच किया है ना, नर्वस सिस्टम,
नर्वस सिस्टम है उसका यहाँ पे, ठीक है, और हमारा कहाँ पे होता है, बैक साइड, गिल स्लिट। तो हमारे पास कितना कितनी स्टेज में गिल स्लिट है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अभी जो तुमने पिक्चर देखी थी, लेकिन बाद में गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं पानी में डाल, बेबी कह रहे मुझे पानी में डालो सांस चाहिए मुझे, तो ऐसा नहीं होगा। फेरिंग्स हमारे पास, मतलब गिल स्लिट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उससे भी बन चुका है फेरिंग्स। ये कॉर्डेटा के बारे में बात चल रही है ना, हार्ट वेंट्रल है आगे की साइड, पोस्ट नडल प्रेजेंट है इसमें नहीं है। समझ में आ गया डिफरेंस, समझ में आ चुका है। एडवांस कौन है, हो गया होगा। तो अभी हमारे पास राइट नाउ फेरिंग्स है या गिल स्लिट्स है, और फेरिंग्स की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज फेरिंग्स राइट नाउ, कॉमन पैथवे। हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक दोनों जा रहा है, तो दोनों जब बट रहा है तो उससे पहले वो कॉमन ट्यूब है, और वो ही क्या है, याद रहेगा, ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले। हमारे पास कॉर्ड डेटा के दो टाइप है, प्रोटोकॉर्ड डेटा, प्रोटोकॉर्ड डेटा बेफालतू का आ गया है, लेकिन क्योंकि हमें डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। और एक हमारे पास है यूकॉर्ड डेटा। प्रोटोकॉर्ड डेटा के अंदर दो कैटेगरी है, यूरो और सेफेलो, और यू के अंदर तो वर्टेब्रेटा हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जो हमारी कैटेगरी है असली तो हमारी यही है। अब इनमें क्या क्या आएगा, अब देखो प्रोटोकॉर्ड डेटा के अंदर हमारे पास क्या चीज डिफरेंट है, हाउ डू प्रोटोकॉर्ड डेटा डिफर फ्रॉम द कॉर्ड डेटा। कॉर्ड डेटा के अंदर जो हम कॉर्ड डेटा के अंदर है उसके अंदर नोटोकॉर्ड फुल्ली डेवलप्ड है और किसी स्टेज में देखी गई है, लेकिन प्रोटोकॉर्ड डेटा के अंदर ऐसा नहीं है। प्रोटोकॉर्ड डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर बनकर आता है, पूरी तरीके से वो नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर बनकर आता है, शायद उसको मैंने नाम बताया था, किसी को याद हो तो, स्टोमोकॉर्ड करके कुछ याद आ रहा है, तो नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड एग्जैक्टली नहीं है, तो उससे भी प्रिमिटिव फॉर्म प्रोटोकॉर्ड डेटा की। तो प्रोटोकॉर्ड डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड की एक प्रिमिटिव फॉर्म है। अब यहां पे सबसे पहले जो अभी तुम्हें किसकी जैसे दिख रहे थे, पॉरीफेरेंस के जैसे, सबसे पहले उसी के अंदर आता है। देखो इसको हम एक्चुअली में किसके अंदर रखने वाले थे, पॉरीफेरा के साथ। इन्होंने वहां पे बगावत क्या करी, कह रहे आप हमारी शक्ल देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कहां से आए, ठीक है, हमारे फीचर्स देख लो पहले। उन्होंने कहा नहीं शटअप, कह रहे ऐसे कैसे शटअप, पहले हमारी बात सुनो। तो इन्होंने विद्रोह किया और इन्होंने बोला कि हमारे पास क्या है, तो लगा तुम बताओगे ना, ये तो हम तो पूछ ही रहे। तो इसने बोला हमारे पास स्टोमोकॉर्ड है, तो उसने कहा स्टोमोकॉर्ड, उन्होंने सर्च किया थोड़ा, फिर ओ अच्छा, फिर तो तुम पॉरीफेरा में नहीं जा सकते, ठीक है, तो इसीलिए फिर वहां से इनको हटा दिया गया। तो उन्होंने कहा तो अब हम बताओ हम कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने इसने बोला बड़े पोलाइटली कि आप चिंता ना करें, आप एडवांस लोगों के साथ ही रहेंगे, ऑल्दो आपकी शक्ल एडवांस जैसी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर भी है, तुम लोग भी अच्छे अच्छे कॉलेज में जाओगे, ऑल्दो तुम्हारी शक्लें अच्छे कॉलेज जैसी नहीं है, लेकिन जाओगे, ठीक है, हार्ड वर्क करोगे तो क्यों नहीं जाओगे, और मैं स्वागत भी करूंगा, फूल बरसाऊंगा, वो करूंगा, आरती भी उतारूंगा, लेकिन पहले जाओ। तो अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं करूंगा जिस तरीके तुम दिख रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास आपको ध्यान रखना है, इसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट ही आगे भी आएगा, क्लेवलीना, ठीक है, इसमें साइलेंट भी होता है, लेकिन मैं कभी भी साइलेंट करके नहीं बोलूंगा ताकि तुम लिखने में गलती ना करो। क्लेवलीना आप लोग बोले मन के अंदर पांच का क्लेवलीना, लड़कों को क्लेवलीना नाम जल्दी याद हो जाता है पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी याद कर लेना तुम लोग भी, ठीक है, क्लेवलीना, सारे बच्चे बोले क्लेवलीना, ठीक है, क्लेवलीना भी बोल सकते हो वैसे। यूरोकॉर्ड डेटा को हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, ट्यूनिकेटा इसकी कैटेगरी का नाम है, और इन जितने भी ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं उनको हम ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। तो एक बार क्वेश्चन भी आ रखा है, ट्यूनिकेट्स बिलोंग्स टू, उसमें यूरोकॉर्ड डेटा ये सब लिखा था, असली में आंसर था यूरोकॉर्ड डेटा। यूरोकॉर्ड डेटा के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। सबसे पहली बात, ये पानी के अंदर ज्यादा दिखते हैं, सिडेंट्री, मतलब ज्यादा सिडेंट्री का मतलब ये ज्यादा मूव नहीं करते, मोस्ट जगह पे शांत शक्ल देख रहे हैं, मतलब ये पॉरीफेरा जैसे ही तो है, फीचर पॉरीफेरा जैसा भी है, लेकिन बस एक फीचर की वजह से ही कहां से कहां पहुंचते हैं। मोदी जी हमारे हैं, मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बस नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बुरा नहीं मानेगा अगर कोई है बहुत अच्छा वाला। तो मोदी जी वैसे बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन तुम भी जानते हो कि कौन कितना एजुकेटेड है, कौन कितना क्या है। मोदी जी के पास बस एक फीचर अच्छा है, क्या, ही इज वेरी गुड ओरेटर, वो बहुत अच्छा बोलते हैं,
इतना अच्छा बोलते हैं कि एक गरीब जनता उनको फील कर लेते हैं कि यही तो है हमारे जैसे। तो इतना अच्छा फील करते करते वो फील करते करते कहां तक पहुंचा दिया उनको, सर्वोच्च पद पर पहुंचा दिया भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री का पद मिल गया। लेकिन अगर मोदी से, मोदी जी के बोलने वाला पीछे हटा दो, वेरी गुड शाबाश, यही तो मैं सुनना चाह रहा था, ठीक है, या शायद उससे भी नीचे, ठीक है। एक बच्ची कह रही रामविलास पासवान। मैंने कहा ये कौन है, कह रही हमारे गांव में रहता है, ठीक है ठीक है, चलो तो वो सब भी ठीक है। तो हमारे पास एक फीचर की वजह से ये भी यहीं तक आ गया, यार आप मोदी हूं मैं दूसरा, ठीक है हो गए, लेकिन अभी तो इतना आगे नहीं आया, ठीक है, किसी को भी डाउट है इसके अंदर। ऐसी हमारे राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तुम क्या बोले थे, प्रवीण मुखर्जी। पहली बात तो प्रवीण मुखर्जी को यही नहीं, प्रणब मुखर्जी है हाँ, प्रेसिडेंट। उससे पहले कौन थे, वेरी गुड, राजनाथ गोविंद। पता है मुझे। अच्छा राजनाथ सिंह और राजनाथ गोविंद एक है, अलग अलग है, अच्छा शक्ल सेम है, ओके चलो ठीक। अच्छा आ जाते टॉपिक के ऊपर बात करने लगे, तो हमारे पास हाँ द्रौपदी मुर्मू बात चल रही थी। द्रौपदी मुर्मू में ऐसी क्या खास बात है कि आज वो राष्ट्रपति बन गई, व्हाट इज दिस लैंग्वेज, आदिवासी स्टाइल, जंगल से आए, जंगल से बिल्कुल एकदम हुलाला करते हुए आगे ना सिंगल अलाउ, तो ठीक है वो आदिवासी कम्युनिटी से है, ठीक है, और उन्होंने देश के लिए भी काफी कुछ किया है, मतलब एजुकेशन फील्ड में वो टीचर रह चुकी है, और उन्होंने काफी कुछ संघर्ष किया है अपने मतलब स्कूल लाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, तो उनके स्ट्रगल को देखना कभी, तो ये सब फीचर है। पर मेन फीचर उनका जो काउंट हुआ है वो क्या काउंट है कि वो आदिवासी है, और आदिवासी होकर इतना आगे पहुंचना ये पहली बार हुआ है देश में, तो उनका एक फीचर आदिवासी वाला काम आ गया। एक बच्चे कह रही मैं भी बनूंगी आदिवासी, मम्मी आदिवासी बनाऊंगी, ठीक है वो नेचुरली होता है, ऐसा बनते नहीं है, तो याद रहेगा। अरे भैया एसी चल रहा है और विंडो को देखना, सारा डिफरेंस क्रिएट कर रखा है, सारी सारी हवा भाग भाग गई, तभी को मुझे गर्मी को लग रही है यार अल्लाह आज। अच्छा भी है तो शराब, तो ये हमारे पास पहली बात, ये अकेले भी मिल सकते हैं और कॉलोनी में ही मिल सकते हैं, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना सॉलिटरी मतलब अकेले भी मिलेंगे तुम्हें, और अभी राइट नाउ क्या है, कॉलोनियल है या सॉलिटरी है, कॉलोनी है ना पूरी इन सबकी एक साथ, ठीक है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन दी लार्वल टेल बट डिसअपियर इन दी एडल्ट, तो ये तो वही वाली बात हो गई कि एक तरह से मतलब कभी ना कभी तो देखा ही क्या, तो ये पहले कभी लार्वे थे, लार्वे के अंदर एक नोटोकॉर्ड देखी गई, ऑल्दो वो वाला स्ट्रक्चर प्रिमिटिव था, कोई बात नहीं कुछ नहीं हुआ, तो नोटोकॉर्ड किस में देखी गई है, लार्वल स्टेज के अंदर, एडल्ट के अंदर गायब है, इसलिए ये यूरोकॉर्डेटा कहलाते हैं, टूनिकेट्स, ध्यान रखेंगे। इनकी जो बॉडी होती है अगर तुम इसको टच करोगे तो थोड़ा लेदरी लेदरी से फील आती है, लेदर जैसा कुछ, तो लेदर ट्यूनिक, हेंस दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स, जैसे कि बताया इनके मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेट्स, याद रहेगा सब बच्चों को इतना, ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स का दूसरा नाम क्या है श्रुते, यूरो कोऑर्डिनेटा, हमेशा यूरो, यूरो कोई थी ना तुम्हारी क्लास में जिसको मैं, ओरोस्वती, ओरोस्वती कहाँ है, ओरोस्वती होता कहाँ है वो होता, अच्छा छोड़ दिया उसने, वो तो अच्छी थी पढ़ने में, काफी अच्छे नंबर लाती थी, क्या 8 वर्ष ले लिए क्या, मतलब पूछ रहा हूँ ऐसी इंटेलिजेंट, तो उसने जवाब नहीं दिया, अच्छा, ओके ठीक है। हमारे पास सारे बच्चे याद रखेंगे, इनके पास सिलेरी फीडर्स होते हैं जिससे इनका कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बनती है, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा सिस्टम है, इनके पास सिलेरी फीडर्स है, मतलब एक तरह से हमारे पास तो टीथ है खाने के लिए, इनके पास टीथ जैसे ही स्ट्रक्चर से सिलियरी फीडर्स जो कि मूवमेंट करते हैं खाने को इनका लेंगे, जैसे मान लो इनका ये स्ट्रक्चर है, खाना आ रहा है तो खाना सिलियरी फीडर से अंदर आ जाएगा और पूरा का पूरा वो प्रोसेस करवाते हैं, सीलिया, सीलिया ऐसे वाले जो कि सिर्फ सिर्फ खाने के इनटेक में करवाए, मूवमेंट में नहीं, सीलिया एक्चुअली में बेसिकली लोकोमोशन के लिए होते हैं, लेकिन अगर वही तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल में खाने के लिए हेल्प कर रहे तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, सिलियरी फीडर्स, तो इनके पास सिलियरी फीडर्स है,
याद रखने, और वो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते, वो फीडर्स में हेल्प करते हैं, फीडिंग में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन, क्योंकि अभी हमारे पास इतना एडवांस स्ट्रक्चर नहीं आया, यू कॉर डेटा नहीं आया, तो अभी इनके पास फायरेंजियल स्लिट्स है, तो ये फायरेंजियल स्लिट्स है, लेकिन इनके पास गिल्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, या बोले तो नो नो गिल्स, बस फायरेंजियल गिल्स है प्रिमिटिव फॉर्म, जिससे इनका रेस्पिरेशन हो रहा है, एकदम मछली वाले गिल्स नहीं आया है, स्ट्रॉन्ग गिल्स नहीं आया है, जिससे ज्यादा इफिशियंसी बढ़ती है। याद रहेगा, अगर इसके पास फायरेंजियल गिल स्लिट है और इसके पास सिर्फ गिल्स है, और इन दोनों को मैंने पानी में फेंक दिया भागो यहां से, तो ये 5 सेकंड में किनारे पे आ गई, हंस रही है, और ये बेचारी संघर्ष कर रही है वहीं पर ही, कह रही है कोई मेरी हेल्प करो, कोई मेरी हेल्प करो, मतलब इसने मेरे को याद किया, मैंने कर दी हेल्प, लेकिन इसको तकलीफ क्यों हुई, सांस ये भी ले रही है क्योंकि इसके पास फायरेंजियल था, फायरेंजियल की एफिशिएंसी कम होती है, गिल्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। याद रहेगा, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेटा है, देखो ये ऑर्गेनिज्म ना एक्चुअली में पॉलीफेराई है, लेकिन इनके पास बस एक फीचर है, एक फीचर की वजह से यहाँ आ गए, तो इनमें फीचर तो पुराना वाला ही रहेगा ना, मोदी जी बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन जब बात तुम उनसे कुछ ही पूछ लो कि फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमी, तो और बुला लो एक बार इंटरव्यू के लिए, और उनसे रैंडम फिक्स नहीं पूछना है कि ये पूछेंगे आपसे जवाब तैयार करके आना, रैंडमली पूछो कि देश की इकोनॉमी किस तरीके से इंक्रीज कर रही है, क्या क्या हुआ, मार्केट कहाँ की कैसे चल रही है, कैसे स्टॉक मार्केट चल रहा है, या कुछ इवोल्यूशन बताओ कैसे हुआ है इंसान का, तब वो बताएंगे तुम्हें अच्छा सा जवाब, ठीक है। मतलब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, एक बार क्या हुआ, एक बार वो किसी कॉन्फ्रेंस में वहां पर रैंडम क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछ लिया कि सर ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये क्लाइमेट चेंज से फिर क्या होगा, मतलब क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, तो मोदी जी ने क्या जवाब दिया, मतलब अच्छी बात है, उन्होंने बोला कि नहीं 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 ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, ये एक्चुअली में हम बड़े हो गए हैं, तो हम बड़े हो गए मतलब जब हम छोटे थे तो हमें क्लाइमेट अच्छा लगता था, लेकिन अब जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो हमें वही क्लाइमेट बुरा लगता है, तो ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, ये हमारी मानसिकता बदल गई है। और बच्चा बैठ गया, कह रहा थैंक यू मोदी जी, और बच्चे पीछे चिल्ला रहे हैं मोदी मोदी मोदी, इससे अच्छा जवाब ना ये दे देते, मतलब कोई भी दे देते यहाँ पे, लिटरली देखना यूट्यूब पे जाकर एक बार, या मैं दिखाऊंगा अभी ब्रेक में, ठीक है। तो ये हमारे पास था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम समझ गए होगे कि इनको यहाँ पे क्यों रखा गया है, ठीक है। बाकी इनके पास सारे देखो ही क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, जो कैटेगरी असाइन कर रही थी वो भी कह रही है ऐसे, कह रही पॉरिफेरेंस हो, पॉरिफेरेंस के रूप में प्रोटोकॉल डेटा हो, ठीक है, मुबारक हो, तुम्हें अच्छी वाली कैटेगरी मिल चुकी है, डिजर्व नहीं करते हो, तो ओपन टाइप याद रहेगा सब बच्चों को, और वेंट्रल हार्ट है इनके पास। भाई ध्यान रखना ये वाले थोड़े स्पेशल है, कुछ चीजें प्रिमिटिव है लेकिन कुछ चीजें एडवांस भी है, ठीक है। इनके पास हार्ट है जो कि उनके पास हार्ट था ही नहीं, ठीक है। याद रहेगा टूनिकेट्स के बारे में, इनका नाम टूनिकेट्स क्यों पड़ गया, अरे वाह ये पहले क्यों नहीं हुआ, ओके तो याद रहेगा पहले पहले बच्चों, हाँ टूनिकेट्स क्यों पड़ा इनका नाम है, शाबाश कि ट्यूनिकेट्स को यूरोकॉर डेटा भी बोलते हैं, मेरा क्वेश्चन था मैम इनको ट्यूनिकेट्स क्यों बोलते हैं, इसलिए से अब ये नहीं क्योंकि इनको यूरोकॉर डेटा बोलते हैं, क्या बात हुई, तो यूरोकॉर डेटा क्यों पड़ा कि ट्यूनिकेट्स, तुम तो साइकिल ही बना दी दोनों की, तुम बताओ मेरी ट्यूनिकेट्स क्यों बोलते हैं, लेदरी वाला भी फीचर है, लेकिन वो तो इसकी एक्सप्लेनेशन को डिसाइड नहीं कर रहा, कुछ और है रीजन, बताओ तुम खुशी रावत, हाँ ट्यूनिक एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें वो इनक्लोज रहते हैं, इनके पर कवरिंग है भैया, कहाँ गई, लीदरी लीदरी ट्यूनिक बोलो ना, पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा पूरा ट्यूनिक ही तो है, एक ऐसा लेयर जो बना हुआ है ब्लू ब्लू कलर का, तो ये लीदरी ट्यूनिक है, इसीलिए तुम पूरा सही बोल रही थी लेकिन पूरा नहीं कर पाई, ठीक है, तो याद रखना है। अब आ रहा है सेफेलोकॉर्ड डेटा, इसको हम बोलते हैं ब्रैकियोस्टोमा, ये थोड़ा थोड़ा स्पर्म जैसा लग रहा है कि स्पर्म को बड़ा कर दिया हो, और एक ऐसी मछली, लेकिन तुमने शायद पानी के अंदर कुछ मछलियां ऐसी देखी हो,
वो जो होटल्स में जाते हैं उनके पास एक नकली वाला होता है, क्या कहते हैं उसे, मैं नाम भूल गया एकदम, एक्वेरियम, आर्टिफिशियल एक्वेरियम, हाँ आर्टिफिशियल ही होता है वैसे। तो उसके अंदर कुछ कुछ छोटी छोटी फिश ऐसे देखी है, अगर नहीं देखी है तो पानी के आसपास कोने कोने में इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख जाता है छोटी छोटी मछलियों को, ध्यान से देखने पे, ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कि खुद बेल लो वो बेल ले, तो ध्यान से देखना पड़ता है कि तब निकल के आता है वो, ठीक है, या पत्थर पे दो तीन मारना तो पत्थर के नीचे से दो तीन निकल के आते हैं, करके देख रहे हैं ऐसे। ये ट्रिप पे करा था तुम्हारे जीडी सर ने कुछ बच्चों के साथ मिलके, और बहा दिया फिर यहाँ पे आके। तो ये मैरीन है, मोस्टली सिडेंट्री है, मतलब प्रिमिटिव फॉर्म है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करती है, लेकिन इतना नहीं। दे ऑफन लाई बरीड विद देयर एंटीरियर बॉडी प्रोजेक्टिंग अबव द सैंड, दे ऑफन लाई बरीड विद देयर एंटीरियर बॉडी, इनका जो एंटीरियर वाला पार्ट है वो मोस्टली कहाँ पे रहता है, जमीन के अंदर ही धंसा रहता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, ज्यादातर ये जमीन के अंदर जहाँ पे डैम्प एरिया है, ज्यादा पानी है, वहां पे अंदर की साइड रहते हैं, उनका जीवन दिखता है, प्रिमिटिव एडवांस नहीं है इसीलिए। देयर बॉडी इज स्मॉल, वो तो दिख ही रहा है, फिश लाइक एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट में भी ये नहीं है कि बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, हल्का फुल्का, ठीक है, तो थोड़ा बहुत इनकी बॉडी के पास देखो, एक तो हेड नहीं होता है, जो तुम इसे हेड समझ रहे हो ये एक्चुअली में पूरी बॉडी का ऐसा टाइप है, तो एकदम अलग से हेड निकल के नहीं आया कि ये गर्दन है, बस पूरी बॉडी ऐसे चली और ऐसे करके आ गई इस तरीके से, तो हेड नहीं है। और इनके पास देयर बॉडी लैक पेयर्ड अपेंडेजेस, ये जो पैर वैर निकल के आ रहे हैं ऐसे कोई अपेंडेजेस नहीं है, बस ऐसे ही पूरा रॉकेट जैसा स्ट्रक्चर है। देखो एक ना हमारे पास ना आगे पढ़ोगे गिल्स आते हैं, गिल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, ये मीडियन फिन्स है, ये हिंड गिल्स है, हिंड फिन्स है, तो इनके पास मीडियन फिन्स फिन्स बने होते हैं जो फिर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, तो वो मीडियन फिन्स का है, मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, तो मीडियन फिन्स की वजह से ये क्या कर रही है, ऐसे ट्रेवल कर रही है। मछलियों के पास वो देखे ऐसे, जो मछलियां ऐसे तुम बनाते हो तो ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाते हो, तुम मछलियों को ऐसे करते हो और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बनाते हो, ये जिससे वो मूव करती हैं चलने में, तो इसके पास मीडियन फिन्स प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट होता है वो मीडियन फिन्स। नोटोकॉड कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो इनके पास एक स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर होता है जो हम रोस्ट्रम बोलते हैं, और वो टेल तक रहता है, और यहाँ पे ये इसके लाइफ टाइम में, पहली बात तो ये वाली जो फिश है ये बहुत ही प्रिमिटिव है, लेकिन इन लोगों के पास जो नोटोकॉड है वो इनका लाइफ टाइम है, ये एक तरह से बोल सकते हो कि एक एक्सेप्शनल कैटेगरी भी है, ये वाली कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है, तो इनका नोटोकॉड, क्योंकि ये बहुत ही छोटे, बहुत ही छोटे एनिमल भी नहीं बोल पाते कुछ लोग इनको, तो इतनी छोटी छोटी फिश है कि इनकी लाइफ भी ज्यादा नहीं है, तो उस छोटी सी लाइफ के अंदर ही नोटोकॉर्ड इनकी पूरी लाइफ में होता है, वो कन्वर्ट नहीं होता वटेवर कॉलम में, सिर्फ नोटोकॉर्ड है, ध्यान रखना, और वो पूरी लाइफ टाइम रहेगा। तो ऐसी कौन सी कैटेगरी है, वैसे प्रोटोकॉर्ड डेटा के अंदर बोला जाता है कि नोटोकॉर्ड कभी ना कभी लाइफ में देखा जाएगा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें नोटोकॉर्ड हमेशा देखा जाता है, और सेफेलोकॉर्ड डेटा के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, ब्रैकियोस्टोमेटा, स्टोमा, ब्रैकियोस्टोमा, स्टोमेटा नहीं, ब्रैकियोस्टोमा, जो कि किसके जैसा है, ट्रांसपेरेंट है हल्का हल्का, इनके पास कौन से फिन्स प्रेजेंट है, मीडियल फिन्स, ठीक है ध्यान रखना है। श्रुति सबसे स्पेशल खास बात क्या निकल के आई है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इनका रोस्ट्रम से स्टार्ट होता है और वो टेल तक रहता है, और इनके पास पूरी लाइफ टाइम होता है, जो कि बहुत ही अद्भुत सी बात है, ठीक है, और बाकी इनकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो अबव दी, मतलब एंटीरियर बॉडी जो है वो बहुत से बाहर होती है, याद रहेगा, तो ये सेफेलोकॉर्ड डेटा है, याद रखूंगा एक हिसाब में। अब एक सेकेंड यहाँ पे यूरोकॉर्ड डेटा हो गया, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्ड डेटा, इनको साइलेंट फीचर्स ध्यान रखेंगे, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है सेफेलोकॉर्ड डेटा के अंदर। तो सेफेलोकॉर्ड जब भी हम साइलेंट फीचर पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम, एक एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, जो तुमने लाइफ प्रोसेस में सीखा है उसके अंदर एक चीज और ऐड कर दो, अगर लोकोमोशन भी आ जाए तो। सबसे पहली बात इनके पास भी सिलियरी फीडर्स है, क्या सिलियरी फीडर्स यूरोप के पास थे, सोच लो एक बार, वहीं से तो स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, इनके पास एक फेरिंग्स है, ध्यान रखेंगे फेरिंग्स की शुरुआत हो गई है ये छोटी सी फिश, लेकिन फेरिंग्स है इसके पास, और बहुत सारे फेरिंजियल गिलेस्लेट्स भी,
तो फेरिंग्स भी हमारी तरह और गिलिसरेट्स भी। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है, पहले वाले का क्या था सोच लो, विदाउट हार्ट एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनके आ गए, ठीक है। जैसे हमारे पास कौन सा पिगमेंट होता है रेस्पिरेटरी, हीमोग्लोबिन, ऐसे इनके पास भी पिगमेंट आ चुके हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करवाते हैं, जो लेके जाते हैं ठीक है ऑक्सीजन को। हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो तो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, लेकिन अगर हम दो चीजों को देखें, स्पाइनल कॉर्ड को जो मेन नर्वस सिस्टम का पार्ट है, बैक साइड है, यहां से वो चीज हमारे पास आ गई है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ डॉर्सल नर्व कॉर्ड, लेकिन इस नर्वस सिस्टम के अंदर गैंग्लिया नहीं है, ब्रेन नहीं है। गैंग्लिया का मतलब मैंने बताया था न्यूरॉन का वेल एडवांस स्ट्रक्चर, एक गैंग्लिया दो गैंग्लिया, तो इनके पास अभी गैंग्लिया और ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर नहीं आया, हमारे जैसा बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक गैंग्लिया और ब्रेन नहीं आया। ब्रेन तो वैसे भी नहीं आ सकता, ब्रेन तो हमारा फीचर है एडवांस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ब्रेन नहीं है। रिप्रोडक्शन कैसे होगा भाई, सेक्सुअल मीन, मेल फीमेल होते हैं इनके, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है तो फिर तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, इनके पास लार्वल स्टेज देखी जाएगी। एग्जाम्पल वही तो है, ठीक है, एम्फियोक्सस, अभी मैंने नाम लिया था एम्फियोक्सस एंड लैंसलेट, तो एम्फियोक्सस और लैंसलेट का क्या नाम है वैसे, ब्रैकियोस्टोमा बायोलॉजिकल, और कॉमनली हम बोलते हैं एम्फियोक्सस एंड लैंसलेट, प्लीज नोट डाउन कर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, सिफेलो क्वेश्चन आएगा इस पर ध्यान रखना। लैंसलेट एंड एम्फियोक्सस, इसी को हम ब्रैकियोस्टोमा बोलते हैं। ब्रैकियोस्टोमा क्या हुआ, छिपली आ गई, अच्छा वो क्या है, क्या है मकड़ी, हाथ में पकड़ लो उसे, नहीं ऐसे करो अच्छा मरा हुआ है तो फिर तो और अच्छी बात है, फिर तो पकड़ लो चलो ठीक है। तो ब्रैकियोस्टोमा एम्फियोक्सस और लैंसलेट कहा जाता है, आई होप आपने साथ लिया होगा। ब्रेन है इनके पास, ब्रेन है इनके पास, गैंग्लिया है, तो ये इंटेलिजेंट है या ऐसे है तुम्हारे जैसी। तुम्हारा बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, याद रखोगे कि तुमसे कौन मैच खाती है सबसे ज्यादा, चूते, याद रखना है लैंसलेट एम्फियोक्सस, कोई तुमसे पूछे तुम्हारा दूसरा नाम भी तो होगा, तुम कहना हाँ है नहीं तो कह रहा बताओ, तो तुम कहना लैंसलेट, और फिर वो ये पूछेगा कि लैंसलेट क्यों नाम पड़ा तुम्हारा, तो चुप हो जाना कि बदतमीजी मत कर, अब ज्यादा हो रहा है, थप्पड़ मार दो क्या मैं थप्पड़ मार देना है, ठीक है। तो वो बाकी वो सर्च कर लेगा, बस तुम लैंसलेट बोल देना, ठीक है, सिंपल कह देना, गूगल कर लो, गूगल इट। अनुश्री तुम्हारा नाम क्या है दूसरा, एम्फियोक्सस और अंश तुम्हारा नाम क्या है, ब्रैकियोस्टोमा, शट अप, ब्रैकियोस्टोमा, मैंने सुना ही नहीं, ब्रैकियोस्टोमा, ठीक है, अरे भड़क क्यों रहे हो, प्यार से बात कर रहे ना, तो ब्रैकियोस्टोमा एम्फियोक्सस और लैंसलेट, तीनों में से जिसको जो नाम अच्छा लगे वो चूज कर ले। एक तो मैं तीन ऑप्शन दे रहा हूं, अरे एम्फियोक्सस तुमको ज्यादा अच्छा लग रहा है, अंश, ए से अंश, ए से एम्फियोक्सस, अपने बोल देना घर वालों से आज से मेरा नाम अंश, बहुत छोटा नाम रखा है,
मेरे को देखो जरा ध्यान से, कहीं से दिख रहा हूं मैं? अंश, अंश होता है ये, और मैं यहाँ पे अंश के दादा लग रहा हूं मैं, तो इसी बोल रहा एमसी उगदस लेंथ। वैसे तो ये भी छोटी ही होती है, याद रहेगा बच्चे। अब जिसका था हमें बेसब्री से इंतजार, ठीक है आई नहीं था वैसे। हाँ, तो मिट्टी के साथ खेलो, वेरी गुड, शाबाश, पूरा इसमें इधर कर दो कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया ये। तो हमारे पास अब आ रहा है वर्टेब्रा। वर्टेब्रा के अंदर हमारे पास ऑब्वियसली अब सारी चीजें हमसे मैच करेंगी, तो अब जो भी तुम अपने बारे में जानते हो वो यहाँ पे लिख सकते हो। उल्टी सीधी बातें मत लिख देना बस, कि मैं तो हूं ही ऐसा, अब क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कभी ना कभी देखी गई होगी ये बातें, ये ना, ये पता है मुझे, लेकिन वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था यूज करना। शट अप एवरीबॉडी। इसके पास कभी ना कभी नोटोकॉर्ड रही है। तुम्हारे पास है नोटोकॉर्ड? अभी मैं तुमसे बहुत बार पूछ चुका हूं, नहीं है, लेकिन कभी ना कभी थी। कब थी? 5 साल में, 10 साल में, या 2.5 साल में? इनफिनाइट। सेल्गो क्या बोला तुमने? सेल्गो, सेल्गोटा। अच्छा जाइगोट, अच्छा जाइगोट, जाइगोटिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं बोल सकते हो, जाइगोट को 1 सेल होता है। बायोलॉजिकली ही वाज इनकरेक्ट एक्चुअली, जाइगोट को 1 सिंगल सेल होता है। 1 सिंगल सेल में नोटोकॉर्ड कैसे आएगी? वो खुद तो इतना सा है। एम्ब्रियन बोलो ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियन नहीं, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है? पर तुमने सही बोला, वेरी गुड शब्बा, आता है मेरे को यूज करना। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कभी ना कभी देखा गया है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो वही नोटोकॉर्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वर्टेब्रल कॉलम में। गवार बच्चों, अभी वर्टेब्रल कॉलम है या नहीं? ऐसे टच करके देखो, देखो एक हड्डी दिखेगी बीच में। एक बच्ची कह रही हाय मैया मेरा तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा, तो ऐसे कर लो कि ऐसे भी नहीं पहुंच रहा, तो आई एम रियली सॉरी मैन। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप। आप क्या क्लोज मतलब? ब्लड गिर जाता है, आर्टरीज और वेन में चल रहा है खून, भरा हुआ नहीं है, गुब्बारे की तरह। और वेंट्रल हार्ट, हार्ट तो भैया चैम्बर हो सकता है। सबसे पहले 2 चैम्बर का बनकर आया, फिर 3 को, और अब हमारे पास 4 का है, पढ़ोगे। एस्किरेटरी सिस्टम क्या है? तो बहुत आसान है, अब तो कुछ नहीं है, बिक गया अभी टॉपिक। किडनी, किडनी से वो 2 कॉर्न निकल के आते हैं, यूरेटर, यूरेटर से क्या आता है? यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद श्यो, मतलब यूरेथ्रा, ठीक है, श्यो मत कर देना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या है? एक सेकेंड, नर्वस सिस्टम 2 टाइप के हमारे पास, सीएनएस और पीएनएस। का मतलब क्या होता है? अंश बताएगा। पीएनएस मतलब, हृदय, पीएनजी नंबर ले लो, आता है ना पीएनजी नंबर, क्या आपका बताइए, फिर तुम कहते हो पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक सेंट्रल और उससे जो जुड़ा हुआ है, ये इतने सारे जो निकल के आ रखे हैं अंदर ही अंदर, वो पेरिफेरल। पेरिफेरल जो सेंट्रल बोलता है, पेरिफेरल वो करता है। मोदी जी ने बोल दिया भाइयों बहनों सबको वैक्सीन लगेगी, तो सब स्टेट में वैक्सीन लगी है? नहीं लगी है, दिल्ली में नहीं लगी है, बस एक बच्चा कह रहा क्योंकि वहां पे खुजली वाला है। बदतमीजी मत करो यहाँ पे, मैंने से तुम लोगों को बात करने की, उनके भी लगी है वैक्सीन और तुमसे ज्यादा लगी है, ठीक है, जरा साइलेंट मारो। तो लेकिन विरोध करने वाले विरोध करते रहते हैं। ये मैंने कुछ लैंग्वेज सुनी बच्चों के मुंह से, मैंने कहा तुम्हें किसने सिखाया है सब ऐसी लैंग्वेज यूज करना, खुजली वाल क्या होता है? तो एक कह रहा इतनी गंदी लेवल बोला, क्योंकि वो खुजली वाला कुत्ता है, उसको खुजली होती है। भाई कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब? क्या हमारे घर में तो ऐसे ही बोलते हैं सर? मैंने क्यों? क्योंकि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। ये क्या बात हुई? चलो मेरे को ज्यादा बहस नहीं करनी, लेकिन इतने भी पार्टी से मत इन्वॉल्व हो जाओ कि तुम इंसान को ना देख पाओ। एक इंसान बनो पहले, और सबको इक्वल नजरिए से देखो। सपोर्ट करना अलग बात है, लेकिन बेफालतू की विद्रोह क्यों कर रहे हो? मत करो सपोर्ट, लेकिन गाली तो मत दो। सीएनएस और पीएनएस, और इनके पास क्या है? सेंस ऑर्गन।
है सबके पास सेंस ऑर्गन। श्रुति, हमारे पास आईज है, हमारे पास स्किन है, हमारे पास स्मेल करने के लिए नोज है, और सुनने की क्षमता तो है ही, थोड़ी कम है लेकिन, क्योंकि अगर तुम पूरा सुनते तो बहुत अच्छे नंबर भी आते सब बच्चों के। ठीक है, तो इस वाले सेंस ऑर्गन को हमें बढ़ाना है, और जो मेन सेंस ऑर्गन है ब्रेन, उसको तो बहुत ही बढ़ाना है। ठीक है, उसको नया जैसा नहीं करना है। ठीक है प्यारी बच्ची, ये प्यारी बच्ची कह रही है मेरा ब्रेन सबसे महंगा है यहाँ पे, बाकी अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आप यह पूछ रहे क्यों महंगा है बताओ जरा, क्योंकि इसका यूज बहुत कम हुआ है। नया नया है ना ब्रेन, तो इसलिए महंगा बिकता है ना नया नया, पुराना हो जाएगा तो सस्ता बिकेगा। पर मैं चाहता हूं कि तुम इसे पुराना बनाओ यूज कर करके। ठीक है, तो समझ नहीं आ, केमिकल कोऑर्डिनेशन तुम लोगों का एक चैप्टर काट दिया था सीबीएसई ने, क्योंकि उनको पता है कि गवार बच्चे आए हैं, इनको क्या सिखाना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में होता है, जब तुम लोग चलते हो तो चलते चलते नीचे गिर जाते हो, नाले में गिर गए, रिक्शे वाला निकल गया, रिक्शे वाला क्यों गिराया मुझे, रिक्शे वाला कह रहा तेरे से 2 किलोमीटर दूर हूं मैं, क्योंकि मजाक करता है। अरे कोऑर्डिनेशन का मतलब ढंग से चलना प्रॉपरली। ये जो कुछ लड़कियां आजकल मर्दों की तरह चलने लग गई है, कुछ मर्द लड़कियों से चलने लगा कि हेलो क्या हुआ है, अभी उल्टा सीधा टेढ़े मेढ़े हाल ऐसे कर करके, तो ये भी वैसे कोऑर्डिनेशन ही है। उसके बाद भी वो गिर रहे हैं क्या, गिर जाओ तो अलग बात है। ठीक है, जैसे मान लो ये बड़ी बड़ी हील्स पहन कर आई है, क्योंकि बताती हूँ छोटी बच्ची का वो चलाते रहते हैं ना, तो इसने क्या करा, एक बड़ी सी पैंट पहनी और उसके नीचे हील लगा रखी है इतनी बड़ी, और ये चल रही है स्टाइल मामा के। एक स्कूटर वाला आया, जैसे थोड़ा सा कदम लगा नीचे गिर गई दबाव। तो मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो हील्स के पहनने से तो अच्छे अच्छे गिर जाएंगे, कोई भी गिर जाए, लेकिन अगर हील्स के साथ भी अगर किसी अगर कोई नहीं चल पा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं। ठीक है, और नॉर्मली हो रहा है तब भी कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं, तो हमारे पास पूरा का पूरा ये बैलेंस कौन करता है, नर्वस सिस्टम। आपको याद होगा आपने पढ़ा था हाइंड ब्रेन के अंदर सेरेब्लम पोन्स मेडुला ओब्लॉन्गाटा, अच्छा नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, चलो। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे पोस्चर को मेंटेन करते हैं। अभी सारे बच्चे ऐसे रहेंगे बिल्कुल स्टैचू, स्टैचू का मतलब बिल्कुल ऐसे कैसे जैसे थे वैसे हो जाओ, मैंने कहा जैसे थे वैसे हो जाओ तो हिल गए। अब चेंज तो कर लिया लोगों ने बचपन, अब सबने चेंज कर लिया है, अब जैसे भी सब लोग बैठे हुए हैं देखो सबका पोस्चर कहीं ना कहीं पे अलग है। ठीक है, किसी का हाथ टेढ़ा मेढ़ा है, किसी के पैर लाग सके, कोई एकदम मर्दों की तरह बैठा है, कोई एकदम फीमेल की तरह बैठा है, कोई कोई अलग तरीके से ही बैठा है। ठीक है, तो सबका स्टाइल अलग अलग है, और मेरा भी अलग है, मैं भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तेरा मेरा, तो ये क्या है हमारा पोस्चर है, सबका पोस्चर अलग होता है ना ओवर, अब कैसे रहोगे। तो हमारे पास पोस्चर सबका अलग है, और ये हर किसी का ब्रेन डिसाइड करता है, याद रहेगा। यस ओके, रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली एसेक्सुअल होता है क्या, सेक्सुअल होने के बाद पॉपुलेशन इतनी है, और जिस दिन मोदी जी ने बोल दिया कि भाइयों बहनों आज से एसेक्सुअल भी होगा, तो उस दिन शायद हमें दूसरा हिंदुस्तान बनाना पड़ जाए, शायद पाकिस्तान पे हम हमला कर दे और पाकिस्तान भी हम कब्जा लें कि हमें जगह चाहिए। आज से हमारी जिंदा पाकिस्तान में भी रहेगी और अफगानिस्तान में भी रहेगी। ठीक है, मुल्ला बरादर वहां का प्राइम मिनिस्टर है ना, तो मुल्ला बरादर को कॉल करना पड़ेगा, हाँ उसका नाम ही यही है, उसे कॉल करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की जनता पड़ गई है तो अब हम आपके पास आ रहे हैं। तालिबान का शासन है वहां पे, कौन है तालिबानी, श्रुति कौन है तालिबानी, कौन है तालिबान, न्यूटन मिनरल, न्यूटन, न्यूट्रल, ये क्या होता है। अच्छा डराओ मत मुझे, मेरे को लगा मुझे नहीं पता, न्यूट्रल आतंकवादी संगठन है एक तरह का। ठीक है, हाँ, मतलब ठीक है, उनकी खुद ही कंट्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्लानिंग इस तरीके से करी कि अफगानिस्तान में अब अफगानिस्तान की सरकार नहीं है, अब एक तरह से ऐसी बात हो गई कि चाइना के लोग आपके हिंदुस्तान में कब्जा कर लें लाल किले पर और पीएमओ पे, और वहां से पूरी सरकार चल लिया। अब उनकी
मुझे एक बात बताओ, अगर इस पूरे देश की आर्मी को, पूरे देश के जिनके पास पूरे हथियार है, अगर उस देश की आर्मी को किसी बाहर के एजेंट ने, बाहर के किसी लोगों ने घुसला दिया और बोल दिया आज से देश पे राज हम करेंगे, तो क्या राज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आर्मी की जितने भी गन्स है, जितने भी विस्फोटक है, सब किसके कंट्रोल में है? आर्मी के पास। ऑल तो सरकारी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन है तो आर्मी के पास ना। और अगर उसका मिसयूज हो जाए तो भाई सारे लोग इंसान ही तो हैं, और सारे लोग इंसान, लेकिन आर्मी अगर अपने पे आ जाए तो कब्जा कर सकती है। तो वहां पे वही हुआ है, आर्मी ने उनके साथ हाथ मिला लिया और अब तालिबानी सरकार है वहां पे। ठीक है, तो भाग गए वहां से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपने पर्सनल जेट से। तो ऐसी याद आती है। ठीक है, आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। अच्छा, यहाँ से रिमूव करना पड़ता है ना हर बार, इसलिए तो मैं यूज नहीं कर रहा था ये। अब हमारे पास प्यारे प्यारे बच्चों देखो, वर्टेब्रा आ चुका है। वर्टेब्रा के बाद मैंने एक नाम याद करवाया था, एग्नेथा ग्रेथोस्टोमेटा साइक्लोस्टोमा, कुछ कुछ चलकर का याद आया। अब देखो, मैंने एक दिन एक बात बताई थी, एक ऐसी फिश जिसके पास माउथ नहीं है, गर्दन काट दी जाए, एक ऐसी फिश आ रही है ऐसे देख रही है और उसके टीथ टीथ ऐसे निकल रहे हैं गोल गोल वैसे, और वैसे निकल रही है कि आओ इधर आसा। तो गोल गोल से अगर टीथ उसके ऐसे से बने हुए हैं, अरे प्यारे बच्चों, एक फिश ऐसी आई है और उसके ये टीथ है, ठीक है, और ये श्रुति के सामने आ गई है। ये कह रही है हेलो श्रुति, श्रुति कह रही है हाय, उसने कहा चॉकलेट खाएगी, मतलब ठीक है जो भी उनकी बात हुई, यहाँ पर पर्सनल वो पर्सनल टॉक्स पे नहीं जाए, लेकिन क्या इसकी इसका ये जो फेस निकल के आ रखा है, क्या तुम्हें फेस दिख रहा है एक्चुअली में या सिर्फ माउथ ही दिख रहा है? श्रुति ने पूछ लिया तुम्हारी आईज कहाँ है, उसने कहा थोड़ा पास आओ तो दिखेंगी, तो उसने कहा थोड़ा और पास, उसने उन्होंने ऐसे कर लिया, कह रहे यहाँ पे है यहाँ पे, और श्रुति अंदर चली गई। अब दिखी अंदर से आवाज आई, नहीं कह रही शाबाश देखती रहे, कह रही मैं तुझे एक दिन का टाइम दे रही हूँ, इतने में हो गया काम। तो ये हमारे पर इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी है। तो श्रुति ऐसे फाड़ के आई बदतमीज की, मुझे बताएगी तू? ठीक है, तो ये है एग्नेथा। एग्नेथा के अंदर बहुत सारी क्लास होती है, लेकिन आपको सिर्फ ये वाली पढ़नी है जो मैंने बताई राउंड। तो ये कौन सी वाली होती है? साइक्लोस्टोमा, याद रहेगा तो साइक्लो साइक्लोस्टोमा। तो राउंड माउथ वाली जो ऐसे फिश आती है जिनकी शक्ल नहीं होती, सिर्फ ये निकल के आता है। कार्टून नेटवर्क पे देखा होगा ये सब, कार्टून नेटवर्क, ये सब तो आपका कार्टून नेटवर्क बहुत गंदा हो गया है, हमारे टाइम का था तो पता नहीं क्या है। अब तो टॉम एंड जेरी पहले वाला इतना अच्छा, टॉम एंड जेरी भी ना दो है, एक है असली वाले और एक है जिसमें बिल्ली बड़ी बदतमीज सी है, मौसी जैसी, बहुत ही गंदी सी मतलब, और उसका जेरी भी ऐसा ही गधा था। एक है अच्छा वाला रियल, वो सारे के सच्चे हैं। चलो चलो, तुम्हें ऐसा समझ नहीं आएगा। तो ये हमारे पास है, तुमने आ गया अग्नेथा। अग्नेथा के अंदर साइक्लोस्टोमेटा वाली क्लास पढ़नी है, बाकी नहीं पढ़नी है, अच्छी बात। गिनेथोस्टोमेटा का जिसके पास जो है, ये सबके पास जो है क्या? तुम्हारे थप्पड़ किस पर मारती है मैडम? गाल। तो यहीं पर ही तो है जो, ये जो है या नहीं? एक बच्ची कह रही जो कहाँ है, जो कहाँ है हमारे कि कुछ, हाँ कुछ लोग कहते हैं, हाँ कुछ लोग कहते हैं अरे भैया, कुछ लोग क्लास होती है तो एकदम यहाँ पर निकल, मतलब बीमारी भी हो सकती है, होती भी है वैसे, तो कुछ लोग हाँ डबल चीन ऐसे निकल के आ, मेरी तो नहीं है, तुम लोगों की है। ठीक है, तो क्या करो, तो जो लोग ज्यादा पिज्जा बर्गर खाते हैं तो उनका ही नीचे आ जाता है, तो ये तो दिख ही रही है, साथ में ये भी दिख रही है, तो कहते हैं लो, तो डबल चीन आ जाता है, और ये तो चौड़ाई पूरी गायब ही है कुछ लोगों की, ऐसे पूरा भर जाता है। ठीक है, अच्छा बैठ जाओ प्रधानमंत्री, अभी हटा देंगे ना पद से तुम्हें। तो हमारे पास जॉ लाइन में दो, जॉ के अंदर दो चीजें, पीसेस और टेट्रापोडा। ये टेट्रापोडा मेन वही है जो तुमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, जो चार कैटेगरी के नाम लिए थे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एव्स, मैमेलिया। फिश वाली कैटेगरी को पीसेस बोलते थे 9th क्लास में, याद आ रहा है? टॉपिक हट गया था, क्या कर सकते हैं। पीसेस के पास फिन्स होते हैं पानी में तैरने के लिए, शियो चलती रहती है,
लेकिन क्या इनमें से किसी के पास भी ऐसे फिंस देखे? एक बच्ची कह रही हाँ मेरे हैं, कहा कह रही यहाँ पे है, लेकिन वैसे मैं दबा लेती हूँ। बकवास नहीं कर रही यहाँ पे, कुछ भी यहाँ पे म्यूटेशन हो रखा है तो मैं कुछ भी कैंसर वैंसर हो तो वो अलग बात है, वो फिंस नहीं होगा फिर, वो तो मैं कुछ निकल के आ गया होगा वो ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर को फिंस का नाम मत दो, वो कुछ और है फिर। ठीक है, तो ये फिंस नहीं है हमारे, इसके पास लिम्स होते हैं, बल्कि हमारे हाथ हमारे पैर ये सब लिम्स है हमारे, तो ये इन सब के पास है। तो पीसीस के पास मैंने बताया था दो टाइप की फिश होती है, कॉन्ट्रैक्ट थीस में कौन आएगा? बोनी। हाँ बोनलेस, बोनलेस बोनलेस खाते हो तुम लोग, एक चिकन भी आता है ना बोनलेस, बोनलेस चिकन कैसे हो सकता है? अच्छा आय हाय, क्या होता है विंग? नहीं, नहीं मैं वेजिटेरियन हूं, मैं पंडित हूं, मतलब अच्छा मतलब अगर मैं नॉन वेज होता तो मैं इन सबसे जवाब बच्चों से पूछा था कि क्या होता है बता। वेजिटेरियन हूं मैं, मेरे घर में पता लग गया ना एग भी, अगर मैंने ऐसे देख लिया है तो कहेंगे हो घर में शराब लग गया, गंगा जल छिड़को। नहीं मैंने कभी खाया नहीं है, लेकिन मेरा अब मेरा ये कि आने वाला टाइम मे भी मैं ट्राई करूँ, मतलब एग तो मुझे तो खाना ही है, एग में प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन बहुत जरूरत होती है, इसलिए उम्र के एक एक टाइम पे उम्र ऐसी आती है कि मैं डॉक्टर पे सजेस्ट करता है कि जो टेस्ट वेस्ट करवाओगे ना तो उसमें प्रोटीन कम निकलता है, विटामिन डी कम निकलता है, सबके ही है इमान सर, वो समीक्षा मैम हो जितने भी जेडी सर सबके, 25 के बाद ऐसा होता, मैं तो अभी 22 का हूँ, लेकिन 25 के बाद थोड़ा कम होने लग जाता है। अभी तो बैठ जा 75 साल। ठीक है, तो इसीलिए मैं एग स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द मेरी मैं कुछ तो ये बोन में से क्या तो हाथ से निकाल देते हैं हड्डी को, नहीं, और उससे तो वो गंदा हो जाता होगा। तरीके मतलब गंदा नहीं होता है की और खून आदत तो सारा निकल जाएगा, तो खून फ्रीज हो जाता है, तो हम फ्रीज खून खा रहे हैं कैसे? पहना से धोते हैं 555 से। चलो तो ठीक है, तो समझ गया, ठीक, ओके ओके बाय, मतलब पानी से पूरा का पूरा, शुक्रिया। अच्छा और ये जो बनाते हैं, एक से बस एक ऐसे पूछ रहा हूँ, अगर ये जो लोग बना रहे हैं पूरा का पूरा, पकाने वाला टाइम उसको कितना टाइम लगता है वैसे, कितनी देर तक ये करते हैं कुंभ? अच्छा अच्छा ये मसल्स ही होती है जो जो उसके बॉडी का, उसकी बॉडी का खुद का जो इंटेस्टाइन होता है वो भी खाते, हार्ट भी खाते हैं, हार्ट ठीक है, मैं तो खुद खाने लायक। हाँ, ऐसा वाला लेग पीस का तो मैंने सुना है, ये उंगलियां, उंगलियां डिड पूंछ भी खाते हैं क्या? मतलब बकरी की पूंछ तो होती है, नहीं नहीं बकरे का क्यों? अच्छा ठीक है, चलो बाद में डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, पीसीस के पास पिन तो तुम भी खाते हो सुरती? क्या मैं तो सब कुछ खाता थी। ठीक है, मैं गीदड़ को नहीं छोड़ती। ठीक है, पिन्स में कॉन्ट्रैक्ट थीस कार्टिलेजिनस फिश होती है जो खा नहीं सकते, ऑस्टिक थीस बोनी फिश होती है जो खाते हैं। ठीक है, एम्फीबियन रेप्टाइल सेव्स मैमिलिया, ये सब तो आप लोग जानते हैं, एम्फीबियन पानी जमीन दोनों पे रहते हैं, ये दोनों पानी वाले हैं, फिर ये रेप्टाइल पूरे जमीन के हो जाते हैं, ये हवा में उड़ने वाले एनिमल्स हैं, और अब बाकी सबको छोड़ दो, अब एक स्पेशल कैटेगरी है मैमेलिया जो कि है हम,
हम आ गए फाइनली, हमको देख लिया तुम लोगों ने। मैमिलिया के पास क्या है, मैमरी ग्लैंड होते हैं जो फीमेल्स के अंदर तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन मेल्स के अंदर अफसोस की बात है, अफसोस क्या जो भी है वो इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंस है। एक बच्ची कह रही, अच्छा एक बात बताओ सर, मैं फंस गया था लेकिन वहां पे बहुत बुरा वाला, कह रही एक बात बताओ सर, ये जो मेल्स के पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मैंने कहा एक सेकेंड, मेमोरी ग्लैंड्स हैं लेकिन वो इनएक्टिव है। कह रही अगर इनएक्टिव है तो पहले कभी एक्टिव रहे होंगे, और अगर मेल के पास मेमोरी ग्लैंड एक्टिव है तो इसका मतलब मेल्स मिल्क भी फीड करते होंगे बेबी को, तो फिर फीमेल्स की क्या जरूरत। हाँ हाँ ये भी है, बिल्कुल सही कह रही हूँ, लेकिन फिर मेमोरी ग्लैंड का क्या काम है? क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि बेबी हो गया, बेबी अगर मॉम नहीं पिला रही है तो फिर डैड पिला रहे, अगर मेमोरी ग्लैंड्स हैं तो? मतलब ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, एक बच्चे ने जेन्युइन क्वेश्चन पूछा था और मैं फंस गया था लिटरली, और शायद मैं आज भी फंसा हुआ सिचुएशन में हूँ क्योंकि मैंने सर्च नहीं किया था उसके बाद, मुझे करना चाहिए था। तो बताओ ये तो गंदी सिचुएशन है, कोई बात नहीं, बस प्रेजेंस है इसका जवाब है प्रेजेंस है, लेकिन इनएक्टिव ही है, नेचर ने ऐसे ही बनाया है। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें कुछ अच्छा सर्च हो तो करना, बाकी मुझे लगता नहीं है। तो हमारे पास मेल्स के पास एक तरह से वही है कि सब लोग आए तो एक ही उससे है, आगे जाके वो मेल फीमेल में बढ़ गए, तो मेल्स के इनएक्टिव है क्योंकि मेल्स में जरूरत नहीं होती, लेकिन प्रेजेंस तो में दिखेगा और फीमेल्स के पूरे एक्टिविटी रहते हैं। तो ये हमारे पास है। अरे ये क्या हुआ, अभी एनए क्वेश्चन में मेरी वीडियो भी तो फ्रीज हो रही है, इसलिए मैं नहीं कर रहा था। और तुम लोग क्या देख रहे हो, मैं तो यहां से मैंने देख लिया अपने आप को। शट अप एवरीबॉडी, अब याद रहेगा। तो ये हमारे पास टेट्रापोडा के अंदर कौन सी चार कैटेगरी है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमिलिया। मैमिलिया का नाम मैमिलिया क्यों पड़ा प्यारी बच्ची, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं वेदर एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड, लेकिन है। ठीक है गुड, साइक्लोस्टोमेटा, इनकी शक्लें देखो एक बार, तुम्हारे जैसे तो नहीं है, एक बार देख लो भैया, हैगफिश और लैम्प्रे। तो ये कितना टाइम हो गया, अरे यार क्या कर रहे हो, भागो जल्दी से, अब यहाँ पे हमारा क्या पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा आर्थ्रोपोडा के जो हमें क्लासेस रह गई थी, जो कि नीट के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, ऑल्दो आता नहीं है लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा एज पर प्रोटोकॉल। आप लोगों ने ये वाली क्लास देख रही थी, इसकी तो सबसे इजी क्लास थी एसलमेंटस की, एफिस मीडिया एंड पैस मीडिया। ठीक है, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं। फिर हमने देखा था हमारे पास एनलिडा है, एनलिडा के काफी सारे थे, पॉलीकाइटा, ओलिगोकाइटा, हिरोडिनिया, अरेकेनलिडा एंड इफी यूरिडा। तो ये हम, लेकिन हमें इसके बारे में ये तो नहीं करना, अर्थवर्म हमें तभी करना है जब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे आएंगे, तो तब हम करेंगे। फिर आया था हमारा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के अंदर हमारे पास क्या है, तो हमारे पास आर्थ्रोपोडा के अंदर छह क्लासेस, छह क्लासेस के नाम मैंने बताया था, मीरोस्टोमेटा, तो इसका मतलब ये नहीं कि टेरोस्टोमेटा, इसका नाम मीरोस्टोमेटा है, ऑंकिफोरा, डिप्लोपोडा, अरेक्निडा, इंसेक्टा, किलोपोडा एंड क्रस्टेशिया, जिसमें से क्रस्टेशिया काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्रस्टेशिया पे काफी क्वेश्चन बनते हैं, क्रस्टेशियंस बोला भी जाता है इनको, क्रस्टेशियंस। तो हम एक एक करके इनको देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मीरोस्टोमेटा, तो ये मीरोस्टोमेटा के अंदर क्या क्या आता है प्यारे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहली बात, जो आगे जिन लोगों के आगे ऐसे हेयर्स बने होते हैं, जैसे कॉकरोच आया, कॉकरोच के बाहर, कॉकरोच तुमसे जस्ट थोड़ा सा दूर है लेकिन उसके जो आगे निकले हुए ये तुमको टच करेंगे, बाल जैसे जो स्ट्रक्चर है, अरे भैया एंटीने,
तो इनके पास एंटीने नहीं होते, मीरोस्टोमेटा के पास एंटीने नहीं होते, और जो ये रिस्पिरेशन करते हैं बुक गिल से रिस्पिरेशन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है किंग क्रैब, कुछ लोग किंग क्रैब भी खाते हैं, खैर चाइना में तो सभी खाते हैं, तो किंग क्रैब भी खाते हैं, किंग क्रैब के आगे वाले ही तो नहीं, मूंछे नहीं होते इनकी। तो आपको ध्यान रखना है ये ज्यादातर समुद्र में रहते हैं, इसको लोग खाते भी हैं, गोवा में तो खाते ही हैं, गोवा में तो फेमस है भैया सी फूड खाओगे, सी फूड नया नया सी फूड आज ही लाया पकड़ के, ठीक है, तो चिल्लाते रहते हैं बाहर। तो ये हमारे पास याद रखना है आप लोग, ठीक है। ये आता है हमारा मीरोस्टोमेटा के अंदर, तो मीरोस्टोमेटा के अंदर कौन सी, आर्थ्रोपोडा की पहली क्लास है। आई नो थोड़ा सा लग रहा होगा कि इतना सारा कैसे है, पर अगर तुम मेडिकल करोगे तो मेडिकल के आगे तो ये 1% है, 99% कैसे करोगे वहां पे, तो कोई बात नहीं। एक कहावत है, एक बचेगरी नहीं हमें इंटरेस्ट नहीं है। एक कहावत है कि एमबीबीएस सिर्फ उसी को मिलता है जो एक्चुअली में डिजर्व करता है, पर इसका कहने का सेंस ये है कि अगर आप लोग अभी इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हो ना, तो जब तक तो तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, फिर तुम फेल ही होगे वहां पे जाके। बैक टू बैक बैक आएंगी, बैक टू बैक बैक आने का मतलब है कंपार्टमेंट आएंगी, क्योंकि वहां फेल नहीं होते, और इतनी बैक टू बैक इतनी बैक आएंगी कि जब आप फिफ्थ ईयर में पहुंच जाओगे बाई चांस समहाउ, तो आपके पास 20 या 30 बैकलॉग होंगी। 20 या 30 बैकलॉग का मतलब है आपके 2 या 3 साल और एक्सटेंड हो जाएंगे। तो लोग पूछेंगे आपने एमबीबीएस नॉर्मल टाइम में किया है, तुम कहोगे हाँ नॉर्मल में ही किया है, बस 3-4 साल एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो तुम किसी को पागल बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन जो इंटेलिजेंट होगा वो समझ जाएगा कि ओके फाइन, आप एक काम करो आप दूसरे हॉस्पिटल में ट्राई करो, एक्चुअली यहाँ पे भी वैकेंसी नहीं है, मतलब है लेकिन है नहीं। तो तुम भी बना रहे हो तो बनाएगा, लेकिन वो किसी और के लिए है, ठीक है, तो ऐसा होगा बाद में। तो अगर तुम्हें अभी आदत पड़ जाएगी तो एमबीबीएस में ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। ये सब एक बच्ची कह रही नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कह रही जब मैं एमबीबीएस करूंगी तो मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी, अभी बस मनसा नहीं करता। हाँ तो ये मनसा ही तब भी नहीं करेगा और, क्योंकि फिर तुम चलोगे कि हम तो तैयारी करके आए, तो हार्ड वर्क क्या, आप तो एंजॉय कर ले, तो वो फिर ऐसा ही रहता है। तो इसीलिए तैयारी वाला फेज बता देगा, इसलिए ज्यादातर लोग प्राइवेट से करते हैं। प्राइवेट में का माहौल यूपी में तो ऐसा है कि भाई तुम लोग चले गए, सारे पेपर उनके अपने यूनिवर्सिटी बनाती है, जिस कॉलेज से तुम कर रहे हो वही पेपर बनाएगी, तो वहां पे टीचरों की वैल्यू बढ़ जाती है इतनी। तो जस्ट एग्जाम से पहले कॉल घूमते हैं, हॉस्टल में टीचर भी रहते हैं कि सर थोड़ा सा प्लीज, मैं गरीब से हूँ, ये हूँ वो हूँ सर, इतना कुछ। तो वहां पे खूब ये सब चलता है, क्योंकि पेपर सब अंदर से ही आ रहा है और सब कुछ सब चलता है वहां पे। यूपी में तो बहुत ही चलता है, यूपी तो फेमस है, और हरियाणा तो महा फेमस है, हरियाणा तो इतना फेमस है कि के ला रहे हो सर एग्जाम है कल, तो बस इतने में तो काम हो जाता है वहां पे। वहां से डॉक्टर निकलते हैं सच में, और खतरनाक वाले डॉक्टर निकलते हैं, मैं लोग डरते हैं उनसे कि नहीं नहीं मैं एम्स से नहीं जाऊंगा भैया, लेकिन तुम तो ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, ठीक है, एक कितने क्या है एक कैची दे, ठीक है। तो ऐसा वाला भी मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन प्राइवेट पे लोग ट्रस्ट नहीं करते, यही एक रीजन है, क्योंकि लोग उनको क्या बोलते हैं, डोनेशन वाला डॉक्टर। तुमने शायद मूवी में भी देखा होगा, प्राइवेट में एडमिट कर, एक सेकेंड, ये क्या बोल रहे हो तुम लोग, प्राइवेट से पढ़ना और प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करना ये सब अलग अलग बातें हैं, कंबाइन मत करो। प्राइवेट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट से डॉक्टर खींचते हैं प्राइवेट वाले, कि हमारे पास गवर्नमेंट स्टूडेंट्स है, और जो गवर्नमेंट के अंदर है उसमें भी गवर्नमेंट ही होते हैं, तो प्राइवेट वाले कहीं जाते ही नहीं है, प्राइवेट वाले अपना क्लिनिक खोलते हैं, ठीक है, नहीं तो झूला छाप खोलते हैं। तो गवर्नमेंट वाले ही है, गवर्नमेंट वाले गवर्नमेंट तो जाते ही है, असली क्रीम जो लेयर है, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज में गए, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी जो क्रीम है, जो टॉप 10% है, मतलब कंपटीशन के बाद ही महा कंपटीशन जो लग गया कॉलेज में जाके, वो तो उनको तो गवर्नमेंट मिल जाएगा,
ऑल्दो हालत तो गवर्नमेंट की भी खराब रहती है, वो जो टॉप ग्रीन जाती है ना उनकी हालत बहुत बुरी होती है, कभी भी ऑपरेशन के बुलाते हैं, कभी भी कुछ भी होता है। बहुत मतलब ठीक है तुम्हारी जॉब सिक्योर है, अच्छी है, अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन हालत खराब रहती है, मेंटल पे असर पड़ता है बहुत गंदा वाला। लेकिन अच्छी है, अगर तुम्हें देश की सेवा करनी है तो तुम इंजॉय करोगे, इंजॉय करोगे अगर तुम्हें सच में देश की सेवा करनी है हेल्थ सेक्टर में। जो बाकी बच गए वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं प्राइवेट में, प्राइवेट में मजे हैं। अगर तुम्हें प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छा वाला मिला है, जैसे कि मेदांता, ये यहाँ पे जो है नोएडा 62 में, फोर्टिस, इस टाइप के अगर तुम्हें हॉस्पिटल मिले हैं तब तो और भी बल्ले बल्ले हैं, मतलब मजे है, मजा आएगा, सारी फैसिलिटी मिलेंगी, उस सरकारी के तंत्र से बच जाओगे जहाँ पे फाइलें चलती हैं, दीवारें पीली पीली सी हैं, ढंग से चीजें गायब हो गई हैं, रिपोर्ट बना के दो ये गायब हो गया, अब ये लेकर आओ। प्राइवेट में ये वाला मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जाती ना फील आएगी कि हाँ भाई इसी के लिए हार्डवर्क किया था, ठीक है, मजा आएगा। प्राइवेट ज्यादातर डॉक्टर स्विच कर लेते हैं अपनी सरकारी जॉब को, स्विच करके इसमें आते हैं, और जब उनकी उम्र बीतने वाली होती है तब वापिस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला लाइफ इंपॉर्टेंट होता है। अब स्टार्टिंग में सरकारी में लग गए तो भाई तुम इमेजिन करो वैसा वाला फेज आ गया, मतलब वही सरकारी आदमी टाइप का, वो इतना सारी फाइलें संभालो, ये सरकारी डॉक्टर। प्राइवेट में अलग मजा है, मजे मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट, हाइजीनिक कंडीशन, सब कुछ इतना बढ़िया। सरकारी में बहुत लोड है, दिल्ली के किसी भी दिल्ली सरकार का उसमें चले जाओ, केंद्र में चले जाओ, इतनी लाइन दिखेगी ना तुम उसे देख के ऐसे ऐसे हो जाओगे, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। दवाई से दे लिख के दोगे, लोग अलग अलग बीमारियां लेकर आ रहे हैं, अलग अलग दिखा रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है कि देखो डॉक्टर साहब ये हो गया, तो वाले तो ऐसा वाला सिनेरियो है। प्राइवेट में प्राइवेट वाले अच्छे लोग आएंगे, अच्छी क्वालिटी के आएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा ये बुरी बात है, देश के लोग हैं बेशक, गरीब निचले तल के लोग हैं, लेकिन सेवा करने आ रहे हो तो ये सब तो है। इस पर चर्चा करेंगे बाद में, आ जाता है टॉपिक के ऊपर, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो भी गया, ठीक है। मेरोस तो मेटा संग में आ गया, तेरोस तो मेटा किस में आता है अनुश्री, किसी में नहीं आता है, वो उस बोलने वाली बात है, ठीक है। अब आ रहे हैं हमारे पास ऑनिकोफोरा। अब ऑनिकोफोरा के अंदर हमारे पास क्या है, वेरी प्रिमिटिव लाइक यू, ठीक है। तो हमारे पास बॉम लाइक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बॉम लाइक ऐसे कीड़े जो जमीन के ऊपर चल लेते हैं अच्छे खासे, पानी के ऊपर तो वैसे भी कम ही चलते हैं, लेकिन जो जमीन के ऊपर बहुत अच्छा खासा चलते हैं, और लेकिन है बहुत प्रिमिटिव, दे आर वेरी प्रिमिटिव। जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या आ रहा है, पेरीपेटस, जिसके पास आईज है, एंटीने, जॉस है, एंड ट्रेकियल मोड है रेस्पिरेशन का। आई मैं डायग्राम एक बार, सारे बच्चे फोन लाओ, सब बच्चों के पास नेट चल रहा है, किसके पास नेट नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा तनुश्री, पेरिपेटस का डायग्राम खोले और सारे बच्चों से ध्यान से देखे एकदम सामने जूम करके, और इसे अपने दिल और दिमाग दोनों में बसा ले कि पेरिपेटस तुम हमसे मिलते हो क्योंकि वी बोथ आर प्रिमिटिव टाइप स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बाय ब्रेन। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ठीक बच्चे गई बस करो, इतनी इंसल्ट नहीं रहेंगे, अब बगावत हो जाएगी अब। यस पेरिपेटस देख लिया, और दूसरा भी डायग्राम देख लो, एक ही को देख रही हो, तीन चार देखो कम से कम, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह से देखो कि पेरिपेटस बस तुम ही हो, ठीक है। पेरिपेटस प्रिमिटिव होता है और ये किससे बिलोंग करता है, ऑनिकोफोरा से। पेरिपेटस किससे बिलोंग करता है, पांच बार बोलो ये लाइन मन के अंदर, ताकि अगर पेपर में आ जाए अभी जो टेस्ट होगा और उसमें अगर तुम भूले तो वहीं पर ही मारूंगा, ध्यान रखना टेस्ट के टाइम पे ही मारूंगा, क्योंकि टेस्ट के टाइम में मैं देख रहा हूँ तुम्हें क्या ओवर लगाया, इस बार तो नंबरिंग कर भी होगी नहीं, और अगर मैंने देखा तुमने ओवर लगाया तो वहीं पर इतने सारे बच्चों के सामने, पर तो गर्दन में मारूंगा और फिर बाल को ऐसा बना के सी बना दूंगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं नहीं देखता ये सब सेक्स रेशियो क्या चल रहा है, मैं तो उसे थप्पड़ मार देता हूँ, चुप हो जाओ तुम। और बड़े बड़े बच्चे जो होते हैं, अगर उनको ये लग रहा है कि मेरा साइज देख के सब डर जाएंगे, तो ये भी गलत गलत फहमी है, नहीं मुझे सुनना ही नहीं है। अच्छा बताऊंगा, मैं बताऊंगा, इसकी मैंने एक लिस्ट तैयार करी हुई है, इतनी बड़ी लिस्ट है कि अभी तो क्लास का टाइम ओवर हो जाएगा, ठीक है। मैं तुमको भेज दूंगा एक PDF फाइल कि मैंने इतने बच्चों को, दो तीन बच्चों की तो मौत भी हो गई है और दो तीन बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी मेरे खौफ से, लेकिन तब से मैं थोड़ा लीनियंट हो गया, मैंने कहा और मौतें ना हो, क्योंकि सरकार का नोटिस आया था मेरे पास कि इतनी मौत का रीजन दो, कारण बताओ नोटिस, तो मैं दे नहीं पाया। तो फिर चलो ये मेरी पर्सनल बात है, मैं आगे शेयर करूंगा, ठीक है। तो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, पेरिपेटस
पेरिपेटस की आईज है लेकिन प्रिमिटिव टाइप की, एंटीना है सब प्रिमिटिव टाइप का, ट्रेकियल मोड से रिस्पिरेशन कर रहा है। देखो ये जो पेरिपेटस है और ये जो ऑनिकोफोरा है इसको एक कनेक्शन लिंक माना गया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये लाइन आ चुकी है इसके पेपर में। द कनेक्शन लिंक बिटवीन द फाइलम एनलिड एंड अर्थ्रोपोडा इज, ये एक्चुअली में कुछ फीचर इसके एनलिडा के हैं, कुछ फीचर अर्थ्रोपोडा के, तो इसलिए इसको क्या माना गया है, कनेक्शन लिंक। ठीक है, गाजियाबाद में तुम रहते थे जब, लेकिन गाजियाबाद में कुछ फैसिलिटी की कमी पड़ी, तुम लोग नोएडा एक्सटेंशन आ गए, तो तुम जैसे ही यहाँ पे इस गौस औंधरम पे आते हो एक अलग दुनिया दिखती है और गाजियाबाद की दुनिया अलग है। लेकिन गाजियाबाद की दुनिया और ये गौस औंधरम से जो स्टार्ट हो रही है ये वाली दुनिया अलग है, तो इसको कनेक्शन लिंक कौन सी है, टॉर्टॉइज। कौन सी वाली रोड है जरा बताओ, तुम्हें तो पता है, अगर दुनिया के थोड़ा बहुत नोएडा के बारे में जानते हो तो पता होगी वो वाली, और एक ये वाली। तो इंदिरापुरम कहाँ पहुंच गई तुम, है सावेरी वाली रोड जो है ये, जहां पे मार्केट है, क्रॉसिंग रिपब्लिक वाली, यस। गाजियाबाद को यही तो जोड़ रही है इससे, जहां पे जाम लग जाता है पतली सी गंदी सी। एक तो है गौर सिटी वाली रोड, वो तो दूर हो गई लेकिन असली कनेक्शन तो यही है। लोग इतने दूर क्यों जाएंगे, क्रॉसिंग से निकल जाता है फिर लोग, क्रॉसिंग तो बाद में आता है, लेकिन ये जो गंदी सी मार्केट है जहां से तुमने अपने सारे घर का फर्नीचर लिया है, सिंपल लैंग्वेज में सस्ता मिलता है वहां पे बहुत, ठीक है ना। रहते बड़ी बड़ी सोसाइटीज में हो लेकिन सस्ते के लिए आओ चलो सावेरी चले, ठीक है। ओ मैंने वहीं से नहीं लिया, ठीक है शराब। हाँ तुम जिसमें बैठे हो वो वहां से आए, क्या बोला तुमने अभी, बताते अभी। लेकिन ठीक है ऐसा मिल रहा, क्या हुआ, ठीक भी तो मिलता है, कोई ऐसा तो नहीं कि बैटरी टूट गई, तुम तो नहीं टूटा, हाँ दो तीन चेयर टूट गई है हमारी क्योंकि वहीं से आई है, सब वहीं का ही है। यस यस सब सब वहीं की देना है, हटा तो दिया हमने है। क्या सच में इसके लिए तो मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे लिए अलग से मनवाएंगे, चिंता मत करो, थोड़ी सी तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बनवा रहे हैं, तुम पीछे बैठना आराम से एकदम चौड़े होके, अच्छी वाली मैं समझ सकता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी। हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ। तो क्यों इतना, क्यों क्यों इतना न्यूट्रिशन लिया, थोड़ा कम नहीं कर सकते न्यूट्रिशन को? अच्छा नेचुरली वाला है, जेनेटिक्स वाला है या खाना का क्यों हुआ है, एक जो तुम्हारा इतना अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर जो बना है जेनेटिक्स वाला ही होगा। तुम्हारा भाई भी इतना लेंदी है हाइट में, अच्छा ओके ठीक है, चलो आ जाते हैं ये सब छोड़ो। हमारे पास ये कनेक्शन लिंक है कौन, ऑनिकोफोरा, और ऑनिकोफोरा जब जब नाम आएगा तुम्हारे दिमाग में क्या बनेगा, पेरीपेटस, ठीक है। बोल दो ना वहां पे जाके पेरी पेरी पिज्जा दे दो, सॉरी पेरी पेरी वेरी वेरी जो भी सब बोलो, पेरी के आगे पेटस लगा दो, ठीक है। पेटिस भी खाते ही हो वैसे तो, पेरी पेटिस तो पेरी पेटस याद रहेगा सब बच्चों को, तो पेरी पैटस दे दो, और जो गांव से तो बोले पेरी पेटिस दे दो, तो एक ही बात है, ऐसे याद रखो ठीक है, पेरी पैटस। तो ध्यान रखना इसके अंदर ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म है, और ये अब देखो ऐसा क्या है कि ये एनलिडा और अर्थ्रोपोडा क्या है, तो इसमें बताया ना कुछ फीचर एनलिडा के, तो एनलिडा के फीचर क्या क्या है, वॉर्म लाइक है, एनलिडा में वॉर्म थे, इसकी लॉन्ग बॉडी है, एस्क्रेटरी ऑर्गन नेफ्रिडिया से होता है, तो ये तो एनलिडा का फीचर हुआ। और अर्थ्रोपोडा का फीचर क्या है, इसके पास ट्रेकियल सिस्टम है, एंटीना इसके हेड पर, एंटीना उसके पास नहीं था मेरो के पास, लेकिन ये तो भैया ऑनिकोफोरा है इसके पास तो है, तो इसके पास किस किस के फीचर है, कौन से दो फीचर है, पॉरीफेराइन सीलेंट्रीटा के, राइट खुशी, अच्छा सॉरी सीलेंट्रीटा एंड टीनोफोरा के, तो किसके है उसके, पक्का कौन सा ऑर्गेनिज्म है, खुशी, खुशी नहीं श्रुति, पेरी पेरी पैटिस, ठीक है याद रखोगी पेरी पैटिस। अगर ये तुमने छोड़ा वहां पर, मैं फिर से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं मैं, आई रिपीट, वो तुम्हारा आखिरी टेस्ट हो सकता है, और शायद कुछ आखिरी सांसें भी हो सकती हैं,
और नीट के 2-3 बच्चे कम हो जाएंगे, मेरे को इस चीज का थोड़ा डर है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये डर सहने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हो गया होगा। पैरी नेक्स्ट एरेक्नीडा, बास अंश, हमारे पास आ रहा है एरेक्नीडा। एरेक्नीडा में क्या होता है, देखो जब स्पाइडर आता है तो स्पाइडर की दो ही चीजें दिखती हैं, एक शक्ल और एक वो इतना बड़ा सा चौड़ा सा निकला हुआ, तो उसको एक माना गया है पूरे को, शक्ल को एक माना गया है छोटा सा। एक बच्चे ने कहा कि मुझे मकड़ी को ऐसा पकड़ना है कि मैं बस इसकी आंख से नोच के निकाल दूं और फिर देखती हूँ क्या करेगी, क्योंकि उसने काट लिया था एक बार तो उसको बदला लेना। नहीं करना, हमें डिस्कशन करना है कि उस बच्चे से बहुत कुछ सीखने को मिला। क्यों? वो गर्दन क्यों उड़ाती है? वो ये भी तो बोलते थे कि इसका पेट फाड़ना है या इसको निशान देना है कुछ भी, तो क्योंकि इसके पास दो ही पार्ट होते हैं, एक फेस और एक एब्डोमेन, थोरैक्स वोरैक्स कुछ नहीं होता। अब आ रही है एरेक्नीडा। एरेक्नीडा का बेस्ट एग्जांपल होते हैं स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स। तो इसके पास देखो दो चीजें, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरैक्स एंड द एब्डोमेन। ठीक है, थोरैक्स नहीं है लेकिन जो फेस के साथ स्ट्रक्चर अटैच है उसी को उसका क्या नाम दे देते हैं, सेफेलोथोरैक्स, और जो नीचे वाला है वो क्या, पूरा का पूरा एब्डोमेन। टांगों वाला मत बोल देना, टेल वेल कुछ मत बोलना, क्योंकि उसके लेग यहीं से निकले होते हैं। ये तो हमारे तो ऐसे हो गए, जो छोटे बच्चे बैठ जाते हैं, छोटे बच्चे को बिठा दो बैठ जा तो उसके लेग ऐसे होते हैं और उसी को वो ऐसे कर लेता है, तो वैसी है मकड़ी, बस उसके 3 निकले, इस तरीके चलती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इनके पास भी सिंपल आई होती है, एंटीने भी है, जॉस भी, सब कुछ है। रेस्पिरेशन बुक लंग से होता है स्कॉर्पियंस के अंदर, स्पाइडर में होता है ट्रैकिया, और दोनों भी हो सकता है। तो ये एरेक्नीडा है, याद रखेंगे आप लोग, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं मोस्टली। क्विकली पहले एरेक्नीडा के बारे में लिखे और नाम एग्जांपल याद रखे, डबल एस, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, एरेक्नीडा। फास्ट एरेक्नीडा, हो गया। अब जो आ रही है वो बड़ी खतरनाक कैटेगरी है, जिसको हम बोलते हैं कीलोपोड़ा या काइलोपोड़ा भी बोलते हैं। ये काइलोपोड़ा ऐसा कीड़ा है, बड़ा ही खतरनाक है। छोटा सा हो सकता है, लेकिन अब पूरी 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 जो एक बड़ा तो कीलोपोड़ा के अंदर आ गया। कीलोपोड़ा कितने सौ बैठे, एक तो हेड हो गया वो छोटा सा आगे वाला, और पूरा जो सांप जैसा है उसे बोलते हैं ट्रंक, तो पूरी बॉडी ट्रंक हो गई। हेड के ऊपर सिंगल पेयर एंटीना प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि हम किसी एक को देखकर डिसाइड नहीं कर रहे, मेजोरिटी को देखकर डिसाइड कर रहे हैं। वन पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट ऑफ द ट्रंक, क्या ये सही बात है? वो जो कीड़ा है, कीड़े की बॉडी ऐसे ऐसे होती है, तो क्या हर सेगमेंट से निकल के आ रखे पैर चलने के लिए? गूगल पर सर्च कर लो, ऑफ कोर्स तभी जल्दी चल पाता है वो, तो वो कॉकरोच थोड़ी ना टाइम लगा रहा, तो कॉकरोच भी तेज भागता है, तो उसके तो इतने सारे पैर है, तो ये सारा कोऑर्डिनेशन रहता है। ऐसे नहीं कि एक पैर आगे भाग रहा है, एक पैर पीछे और कट गई आपस में ही खींच रहे दूसरे को, कोऑर्डिनेशन होता है इनके पास थोड़ा सा सिस्टम। ठीक है, याद रहेगा, इसी फर्स्ट पेयर ऑफ लेग में पॉइजन क्लॉज भी बोलता है, अगर ये लग गए तो तुम्हारे अंदर जहर फैल सकता है इसका। ठीक है, तो पॉइजन क्लॉज बोलते हैं पहले वाले पेयर को, इसमें जहर होता है, इसलिए लोग इससे दूर भागते हैं और बॉडी पे टच नहीं होने देते, चप्पल भी मारते हैं लोग इसे कम से कम 20-30, तब जाके बेहोश होती है।
तो ये पॉइजन क्लॉज है और इसका नाम क्या है, सेंट्रीपीड। सारे बच्चे गूगल पे सर्च करें सेंट्रीपीड। सेंट्रीपीड को हम क्या बोलते हैं, स्कोलोपेंट्रा सेंट्रीपीड इसका वैसा नाम है। देख लिया सेंट्रीपीड, तो लग रही है भून के खा रहा चाइना में। सेंट्रीपीड गूगल पे सर्च करें, इसके भी कैसे हैं, कीड़े जैसे, छोटे छोटे कीड़े वाले, याद रहेगा बीमार नहीं, जहर फैल जाता है, अगर कान में घुस गया तो पता चल जाएगा। कनकुचला तो होता ही है खतरनाक। इसी को गांव में कनकुचला बोल देते हैं। सेंट्रीपीड डाले ना, हाँ हो गया भाई। प्यारे बच्चों हो गया, अच्छा ठीक है। अब हमारे पास क्या है, डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा में देखो इनको हम बोलते हैं मिलीपीड्स। मिलीपीड्स के एग्जांपल है, सारे बच्चे गूगल करें मिलीपीड्स के, मिलीपीड्स के नाम से फेमस है। इनके यहाँ पे भी एंटीना होता है, इसकी बॉडी तीन हिस्सों में डिवाइड है। इसका तुम्हें हेड भी दिखेगा, थोरैक्स भी दिखेगा और बॉडी भी दिखेगी, तीन हिस्सों में डिवाइड है ये। जैसे पहली वाली के दो पार्ट थे, हेड और पूरी बॉडी ट्रंक, इसके तीन पार्ट है, हेड और एब्डोमेन। तो सारे करके लिखे मिलीपीड। तो मिलीपीड डिप्लोपोडा का बेस्ट एग्जांपल होता है। सारे बच्चे लिखे मिलीपीड्स, एक बार देख ले मिलीपीड्स। मिलीपीड्स के लिए कौन सी कैटेगरी डिसाइन की गई है, डिप्लोपोडा, आप लोगों को ध्यान रखना है। और इनके पास भी वन पेयर ऑफ एंटीना होता है। मिलीपीड कर लिया, मिलीपीड, मिलीपीड में बस ध्यान, डिप्लोपोडा में याद रखना मिलीपीड होता है कि तीन हिस्सों में डिवाइड है, बात खत्म। ठीक है, बस तीन हिस्सों में डिवाइड है, याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, उसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, ए हाँ, इंसेक्टा के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी नो दैट। क्रस्टेशियन मुझे बताना है, ये एक्वेटिक है, रिस्पायर कर सकते हैं गिल्स से, क्रस्टेशियन है ये, ध्यान रखना। इनकी बॉडी सेफेलोथोरेक्स, सेफेलोथोरेक्स का मतलब होता है हेड प्लस थोरेक्स जब कंबाइन होता है। जब मेरी गर्दन नहीं है तो मेरी, जब कुछ होता होता है ऐसा, गर्दन नहीं होती ऐसे रहते हैं, हाँ आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ छोटी सी गर्दन होती है उनकी, तो इसका मतलब थोरेक्स और ये है मेरी गर्दन। ठीक है, तो ये गर्दन है तो इसका मतलब मैं सेफेलोथोरेक्स नहीं बोल सकता, लेकिन जब मेरा ये वाला थोरेक्स और ये एक ही साथ जुड़ जाएगा तो उसे हम बोलते हैं सेफेलोथोरेक्स। और नीचे वाला तो होता ही है एब्डोमेन। तो इनके पास दो बार पार्ट बोले, जिससे पहले थोरैक्स को एक साथ बोला जा रहा है, कोई गर्दन नहीं है और ये एब्डोमेन, याद रहेगा। इनके पास बाहर बाहर हार्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरापेस। इट कवर्स द डोर्सल साइड ऑफ द सेफेलोथोरैक्स, क्योंकि जब ये ऐसे करके चलते हैं तो ऊपर कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऊपर एक कवरिंग है एक ऐसी, ताकि कुछ भी जर्क आए तो इनको ज्यादा अफेक्ट ना पड़े। अंदर से तो कभी लगेगा नहीं, कभी ऐसा तो चल रहा है यहाँ पे किसने मार दिया, ऐसे कैसे मार देगा, मारेगा तो ऊपर ही ना, जब तो ऊपर लगेगा नीचे आके कोई ऐसे ही मार के चले जाएगा, नहीं ऐसे नहीं। मान लो कुछ ऐसे करके चलती है, सीढ़ियों पे आ रही है, तो सीढ़ियों पे आ रही है तो ऊपर से गिरने का डर है, या कोई ऊपर से करके यहाँ पे ऐसे कोई कोई मार के चला गया, ऐसे करके थोड़ी कोई मार रहा है। ठीक है, तो इसीलिए तो ऊपर है डॉर्सल साइड पे आ रखा है। और इसके पास भी पेयर ऑफ एंटीना होता है कंपाउंड आईज, लाइक कॉकरोच। और जो पता चलता है कौन कब चीज, जब लाइट खोलते तुरंत भागते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ कुछ है, यहाँ पे परछाई आ गई, तो कंपाउंड आई मोस्टली। ये प्रॉन, क्रेफिश, क्रैब, ये सब क्रस्टेशियंस के अंदर आता है।
आप लोगों को ध्यान रखना, याद रखोगे प्यारे प्यारे बच्चों, उठा लो बस। क्रस्टेशियंस में एक्सोस्केलेटन को क्या बोलते हैं? कैरापेस। डॉर्सल साइड पे, फ्रंट साइड पे डॉर्सल कौन कौन से एग्जांपल है याद रखेंगे? प्रॉन, इसे भी खाते हैं, क्रेफिश एंड क्रैब। ज्यादातर सी फूड क्रस्टेशियंस का होता है, ध्यान रखना, क्रस्टेशियंस ज्यादातर सी फूड, क्योंकि प्रॉन भी खाते हैं लोग, क्रेफिश भी खाते हैं, क्रैब भी खाते हैं। तो ज्यादातर सी फूड, जब भी तुम सी में जाओगे तो मैं क्या बोलना है भैया, क्रस्टेशियन फूड है, वो थप्पड़ मार के बोलेगा यस सी फूड है, ठीक है, मतलब इतने से तुम सही थे लेकिन इसमें पढ़ाई नहीं करी। तो याद रखोगे आप लोग क्रस्टेशियंस, फिर तुम भी माना क्या, हम दोनों सही है, वी बोथ आर राइट, बस एजुकेशन का फर्क है, ठीक है। क्रस्टेशियंस मतलब सी फूड। क्या इसके पास हेड और थोरैक्स अलग अलग होता है? दोनों जुड़े हुए होते हैं, दोनों जुड़े हुए होते हैं, तभी तो इसको बोला गया सेफेलोथोरेक्स। अगर एग्जाम में आ गया सेफेलोथोरेक्स, दोनों को याद रखना जुड़े हुए। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द पोर्शन में डिस्कस करेंगे।